नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन टेक। मैं काशिफ अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। आज मैं बेहद ही खास प्रोग्राम लेकर आया हूँ, क्योंकि आज जिस तरीके से शुरुआत हुई है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2018 की, जिसके अंदर मुकेश अंबानी ने आज काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कही हैं। वो क्या बातें कही हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊँगा, क्योंकि चेयरमैन RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी के वो भाषण की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम मुकेश अंबानी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज जियो ने जिस तरीके से पूरे देश में हलचल मचा रखी है, खास करके टेलीकॉम सेक्टर में, जिस तरीके से पूरा हम कह सकते हैं कि अपना वर्चस्व कायम करने की लगातार कोशिश कर रहा है, तो आज मुकेश अंबानी का ये भाषण लगातार बहुत अहम माना जा रहा था। और जिस तरीके से इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2018 में मुकेश अंबानी ने जो भाषण दिया है वो वाकई में बेहद चौंकाने वाला है, और कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे बातें कही हैं जो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि ये इवेंट शुरू हो चुका है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस यानी IMC 2018, इस इवेंट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल, जी हाँ, पहली बार जो है काफ़ी वक्त बाद जो है जियो के मुकेश अंबानी और एयरटेल के सुनील भारती मित्तल और टेलीकॉम कमीशन की चेयरपर्सन और सेक्रेटरी भी मौजूद थी अरुणा सुंदर राजन, और ट्राई के चेयरमैन जो हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन RS शर्मा समेत इंडस्ट्री के कई दिग्गज शामिल हुए इस इवेंट में। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की सेक्रेटरी अरुणा सुंदर राजन के पहले बारे में बता देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है अपने संदेश में। उनका जो इस इवेंट में संदेश है, उनका कहना है कि देश में 5G के डेवलपमेंट को 3 सरकारी डिपार्टमेंट संभालेंगे। जी हाँ, ये बात कही है टेलीकॉम की सेक्रेटरी अरुणा सुंदर राजन ने। उन्होंने कहा है कि 5G डेवलपमेंट के 3 सरकारी डिपार्टमेंट जो हैं वो संभालेंगे। उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि AI, स्मार्ट सिटीज़ और IoT के साथ 5G देश में एक बेहतरीन विकल्प के तौर पर मौजूद है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि 2022 तक फुली डिजिटल इंडिया फ्यूचर का लक्ष्य हासिल करने के लिए, ये बात जो मैं लाइन सुनाने जा रहा हूँ बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, इसको आप गौर से सुनिएगा। 2022 तक फुली डिजिटल इंडिया फ्यूचर का टारगेट हासिल करने के लिए वोडाफोन देश में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा निवेश करेगी। इस मौके पर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने जो बातें कही हैं, जो बड़ी बातें कही हैं, वो मैं आपको उस पर रोशनी डालने की कोशिश करूंगा, और एक एक बात का हम मतलब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुकेश अंबानी ने जो बातें कही हैं, जिस तरीके से अपनी बात रखी है इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2018 में, आखिर उन बातों का मतलब क्या है और टेलीकॉम इंडस्ट्री पर उनका कैसा असर पड़ेगा। तो सबसे पहली जो बात उन्होंने कही है कि उन्होंने एक बात कही है, उन्होंने कहा है कि साल 2020 तक भारत पूरी तरह से 4G हो जाएगा। ये बात मुकेश अंबानी ने आज कही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में जो मुकेश अंबानी ने कहा है कि साल 2020 तक भारत 4G हो जाएगा, नंबर एक। दूसरी बात जो उन्होंने कही है कि उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया के दूसरे विकसित देश से कहीं पहले 5G रेडी होने की राह पर है। जी हाँ, ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है मुकेश अंबानी ने। मुकेश अंबानी ने कहा है कि हम विकासशील देशों की श्रेणी की बात करें, अगर विकासशील देश की बात करें, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बहुत सारे विकासशील देश हैं जो भारत के बराबर तो नहीं कह सकते, लेकिन भारत लगातार उनसे बराबरी करके आगे निकलने की तेज़ी में है। और यही इशारा करते हुए मुकेश अंबानी ने कहा कि भाई 5G जो है वो पूरी तरह से तैयार है और रेडी है, यानी भारत पहले लॉन्च करने वाला बन जाएगा विकसित देशों में। तीसरी जो बात कही है वो जियो को लेकर कही है मुकेश अंबानी ने। उन्होंने कहा है कि भाई जियो कम दाम में यूज़र्स को बेहतरीन क्वालिटी उपलब्ध करा रहा है, ये बात मुकेश अंबानी ने कही है। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या वाकई में जियो बेहतर क्वालिटी दे पा रहा है, क्या वाकई में जियो जो है वो हम कह सकते हैं कि अपनी सर्विसेज के लिए जाना जाता है, अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, तो क्या वो क्वालिटी आप तक पहुँच रही है या सिर्फ मुकेश अंबानी ही कह रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। चौथी बात पर रोशनी डालते हैं जो मुकेश अंबानी ने कही है, बड़ी बात। उन्होंने कहा है कि अभी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के मामले में भारत 135वें नंबर पर है।
जी हाँ, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात की जाए तो ओवरऑल तो पूरी दुनिया में देखा जाए तो भारत का नंबर 135वां आता है। साथ ही साथ उनका ये कहना है कि जियो फाइबर इसे बदलना चाहता है, यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के मामले में भारत अभी बहुत पीछे है और यही वजह है कि जियो फाइबर कनेक्टिविटी के जरिए बदलने की कोशिश कर रहे हैं और मुकेश अंबानी ने इस बारे में अपनी बात रखी है। पांचवी जो बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा है कि भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा यूजेस होता है, इसकी प्रमुख वजह जो है वो जियो है। ये बात मुकेश अंबानी ने कही है। उन्होंने कहा है कि भाई जियो की वजह से लोग डेटा का इस्तेमाल करते हैं और देश में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में मोबाइल डेटा यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा प्रमुख वजह जो है उसकी जियो है। तो भाई अगर ऐसा है तो जियो की वजह कहीं ना कहीं बहुत बड़ी है, ये बात कहना है मुकेश अंबानी का। सातवीं बात ले लेते हैं जो उन्होंने बड़ी कही है, और उन्होंने बड़ी बात ये कही है कि जियो अपने जियो फोन के दम पर डिजिटल मुहिम को भारत के गांवों तक ले जाना चाहता है। बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके से हमें मालूम है कि भारत जो है वो गांवों में बसता है, भारत जो है वो अपनी जो पहचान है उसकी गांवों से है और बिना गांवों के भारत नहीं हो सकता, बिना गांव के भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि भारत फाइव जो हम कह सकते हैं जिस तरीके से गांव के बिना भारत मुकम्मल नहीं हो सकता। तो उसी के तहत मुकेश अंबानी ने कहा है कि जियो अपने जियो फोन के दम पर डिजिटल मुहिम को भारत के गांवों तक ले जाना चाहता है। ये मुकेश अंबानी ने अपनी सातवीं जो महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है, उस पर डाली है। मैं आपको इस पर रोशनी डाल रहा हूँ। आठवीं जो उन्होंने बात कही है, उन्होंने कहा है कि बेहतर वर्किंग फोर्स की वजह से टेलीकॉम का फ्यूचर काफ़ी शानदार है। इस लाइन को थोड़ा सा हमें गौर करना पड़ेगा, मुकेश अंबानी की इस बात के मतलब हमें निकालना पड़ेगा और इस बात का हमें थोड़ा सा एंगल ढूंढना पड़ेगा कि जिस तरीके से मुकेश अंबानी ने बात कही है कि बेहतर वर्किंग फोर्स की वजह से। अब सवाल ये उठता है कि बेहतरीन वर्किंग फोर्स क्या सिर्फ जियो की बात कर रहे हैं या ओवरऑल टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करना है। देखिए, अगर आप वर्किंग फोर्स की वजह से टेलीकॉम का फ्यूचर काफ़ी शानदार है, ये बात मुकेश अंबानी का कहना है, आपको लगता है कि अगर वाकई में अच्छी सर्विसेज के दम पर अगर ये दावा किया जा रहा है कि भाई जो है टेलीकॉम सेक्टर का भविष्य काफ़ी बेहतर है, सुनहरा है, तो अभी इस पर हमारी जनता की हम राय लेंगे फिर कभी, लेकिन ये मुकेश अंबानी ने अपनी बात कही है। आखिर में नवी बात हम ले लेते हैं, मुकेश अंबानी ने कही है कि भारत के उद्यमी मोबाइल सेक्टर में भारत की दमदार ग्रोथ में अपना योगदान दे रहे हैं। जी हाँ, ये बात मुकेश अंबानी ने कही है, और मुकेश अंबानी ने कहा है कि भारत के जो उद्योगपति हैं या जो हम कह सकते हैं कि काम कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपति, तो मोबाइल सेक्टर में भारत की दमदार ग्रोथ में अपना योगदान दे रहे हैं। जिस तरीके से मोबाइल सेक्टर में उनके जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, भारत उद्यमों का, भारत बिजनेसमैन, भारत के जो बिजनेसमैन हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और बेहतर दे रहे हैं, ये बात मुकेश अंबानी का कहना है। आखिरी बात क्या कही मुकेश अंबानी ने, जो बेहद ही अहम है और बेहद ही खास है, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में देश का तेजी से विकास हुआ है। ये मुकेश अंबानी ने अपनी बात कही है, मोदी जी को लेकर कहा है, देश के प्रधानमंत्री को लेकर कहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई देश का विकास और बाकी ओवरऑल देश की बात की है कि भाई देश का विकास जो है वो मोदी जी की अगुवाई में बेहतर हुआ है। तो ये थी प्रमुख बातें मुकेश अंबानी की जो आज उन्होंने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2018 में कही, अपनी बात रखी, और ये मैंने आपको पूरा विस्तार से बताया कि भाई मुकेश अंबानी ने कौन कौन सी बड़ी बातें कही हैं। आपका इन बातों पर क्या राय है, आप जो जो इत्तेफाक रखते हैं मुकेश अंबानी की, कौन सी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं और कौन सी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं फिर हाजिर होऊंगा नए प्रोग्राम के साथ, नई खबर के साथ, नई टेलीकॉम की दुनिया की और कुछ जुड़ी बड़ी खबर के साथ। मैं लगातार आपको अपडेट देने की कोशिश करता हूँ, ऐसे ही देता रहूँगा। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ कोई वीडियो आपको लगता है कि भाई
ये बहुत अच्छी खबर है, इस चीज़ को खबर कर सब तक पहुंचाना चाहिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आज के वक्त में हमारे पास इतना अच्छा साधन है कि हम एक खबर को दूसरे खबर तक पहुंचाने में चंद सेकंड लगते हैं। तो आपको लगता है कि खबर और लोगों के लिए भी ज़रूरी है या उस इंडस्ट्री के जुड़े लोगों के लिए ज़रूरी है, तो आप इस खबर को शेयर कीजिए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर हाजिर हूँगा नए प्रोग्राम के साथ, तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए नेक्स्ट 9 टेक। नमस्कार।